बिग बॉस में कंटेस्टेंट की नोक झोंक जारी है और सभी एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में बिग बॉस सीजन 13 में एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आया है, जो कि है शहनाज और सिद्धार्थ डे के बीच का, जिसे सुनकर आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे। शहनाज ने सिद्धार्थ के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर सभी घर वाले और साथ ही शो देखने वाली ऑडियंस भी सोच में पड़ गई है कि शहनाज आखिर सिद्धार्थ डे के बारे में क्या कहना चाहती हैं। शहनाज और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे के BFF हैं, यानी कि बैड फ्रेंड फॉरएवर। लेकिन बाथरूम एरिया में घर के सदस्यों से बात करते हुए शहनाज ने मजाक ही मजाक में कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कि सिद्धार्थ के कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाली थी। शहनाज ने पहले ये बात सिद्धार्थ शुक्ला से कही और इसके बाद इस बात को लेकर बाथरूम एरिया में मौजूद लोगों को बताया। ये बात इतनी बढ़ गई कि आरती सिंह ने कहा कि शहनाज को किसी के कैरेक्टर पर इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहिए। शहनाज बाथरूम एरिया में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ खड़ी हुई थी और वो बातों ही बातों में सिद्धार्थ शुक्ला को उनके मजाक में साथ देने की बात कहती हैं और सिद्धार्थ तैयार हो जाते हैं। इस दौरान सिद्धार्थ डे बाथरूम में रहते हैं और उसी के बाहर खड़े होकर शहनाज जोर जोर से सिद्धार्थ शुक्ला से कहती हैं कि ये रात को चिपक जाता है मेरे पास, मुझे हाथ लगाता है। तभी सिद्धार्थ हंसते हुए ये कहते हैं कि ये तो गलत बात है। इसके बाद शहनाज कहती हैं कि मैं इसी वजह से इससे 2-3 दिनों से बात नहीं कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ, पर वो इतना प्यारा है कि मैं फिर भी उसके साथ ही बेड शेयर करूँगी। हालांकि ये सारी बातें शहनाज मजाक मजाक में कह रही थी और वो बाथरूम के अंदर बैठे सिद्धार्थ डे को बाहर खड़े सिद्धार्थ शुक्ला के साथ चिढ़ाने के लिए ये सारी बातें कह रही थी। शहनाज ने ये जो बातें कही उसे कहते ही सिद्धार्थ डे बाहर आ जाते हैं और सभी हंसने लगते हैं। जिस वक्त शहनाज सिद्धार्थ डे के बारे में ये सब कह रही होती हैं, तभी अबू मलिक भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अबू मलिक शहनाज से कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, किसी के लिए ये ठीक नहीं है। इसके बाद अबू मलिक किचन एरिया में जाते हैं और वहाँ मौजूद लोगों को शहनाज की बातें बताते हैं। इस पर आरती कहती हैं कि बहुत ज़्यादा कह देती है वो, और ये सब चीज़ें उसे अभी समझ में नहीं आ रही है। किसी भी मजाक की एक हद होती है, मस्ती करनी है करो, लेकिन किसी के कैरेक्टर पर कुछ भी मत कहो। तभी देवोलीना भी ये कहती हैं कि हम लोग जितना भी बोलें, जब तक सिद्धार्थ डे खुद नहीं बोलेंगे तब तक ऐसा ही होगा, वो भी तो शहनाज की सारी बातों में बहने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर आज वीकेंड का वॉर होने वाला है, जिसमें सलमान कॉन्टेस्टेंट की क्लास लगाने वाले हैं और सबकी गलतियों पर होने वाली है उनकी खिंचाई। और नॉमिनेटेड हुए सदस्यों में से भी कुछ एलिमिनेट भी हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि बिग बॉस घर के सदस्यों को कोई अच्छी खबर सुना दे और उनके साथ ही आपको भी ये न्यूज़ मिल जाए कि इस बार कोई भी कंटेस्टेंट बिग बॉस के पहले हफ्ते में एलिमिनेट नहीं हो रहा है। क्योंकि अब तक बिग बॉस के जितने भी सीजन हुए हैं उनमें यही देखा गया है कि नॉमिनेटेड हुए सदस्यों को पहले हफ्ते में एलिमिनेट नहीं किया जाता है और सलमान खान हर बार नॉमिनेट हुए सदस्यों को एलिमिनेशन से बचा लेते हैं। लेकिन इस बार बिग बॉस की थीम कुछ अलग ही वे में चल रही है। इस बार अमीषा पटेल को बिग बॉस की मालकिन बनाया गया है, जो कभी भी घर में आ सकती है और वहां मौजूद घर के सदस्यों से कुछ भी करवा सकती हैं। और इसके साथ ही बिग बॉस के घर में कुछ और भी चीज़ें अलग अलग देखने को मिल रही हैं और इसलिए बिग बॉस के सीज़न 13 को बिग बॉस का सीज़न टेढ़ा कहा जा रहा है। इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि इस बार के पहले हफ्ते के एलिमिनेशन में बिग बॉस किसे बचाते हैं और किसे नहीं बचाते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर।